हेलो एवरीवन दिस इज शिवंग वेलकम टू शिव क्लासेस इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेटन वुड सिस्टम को तो ये जो टॉपिक है आपका 106 और 107 दोनों में ही है ठीक है वहाँ मैंने सॉरी जीरो जीरो सेवन कोड अभी जीरो जीरो सेवन है तो जीरो जीरो सेवन में मैंने आपको करा रखा है टॉपिक लेकिन एक बार मैं फिर से इस टॉपिक को करा रही हूँ तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही इस बार है ये तो ज़ीरो ज़ीरो सेवन के लिए भी आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं टॉपिक तो एक टॉपिक से आपके जो दो सब्जेक्ट हैं तो और ब्रेटन वुड सिस्टम दोनों में ही इम्पोर्टेंट है अब जीरो जीरो सेवन में तो काफ़ी बार पूछा गया और वन जीरो सिक्स में भी इसके कोलाप्स के कारण पूछे गए हैं कि वो जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है वो क्यों उसका पतन क्यों हुआ था तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेटन वुड सिस्टम था क्या उसके फीचर्स क्या थे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोलाब्स क्यों हो गया ठीक है तो ब्रिटेन वो सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ था एज एन इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज अरेंजमेंट इसमें इस सिस्टम को फिक्स इस इस सिस्टम में क्या फ़िक्स थी करेंसी जो बिलोंगिंग बिलोंग करती थी फोटी फोर कंट्री से अगेंस्ट द किसके अगेंस्ट यहाँ पर जो करेंसी की जो वैल्यू है वो फिक्स की जाती थी यू एस डॉलर के अकाउंट ठीक है यू एस डॉलर के साथ तो यू एस डॉलर इट्स सेल्फ वाज अ पैक्ड अगेंस्ट द प्राइज ऑफ गोल्ड और जो यू एस डॉलर था वो किसके अगेंस्ट जो था पैक्ड था गोल्ड के अगेंस्ट ठीक है जो प्राइस ऑफ गोल्ड है उसके अगेंस्ट जो था यहाँ पे थी तो वन आउंस ऑफ गोल्ड वाज वर्थ रुपीज डॉलर थर्टी फाइव तो एक आउंस जो था गोल्ड का वो किसके बराबर था थर्टी फाइव डॉलर के बराबर था ये जो सिस्टम था ये फॉलो किया किया गया था नाइनटीन फाइव से लेकर नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बीच में जुलाई नाइनटी सॉरी जुलाई वन नाइनटीन फोर में सेवेंटी सेवन हंड्रेड थर्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्राम फोटी फोर कंट्री तो फोर्टी फोर कंट्री से सात सौ तीस रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने अटेंड करा था यूनाइटेड नेशन मॉनिट्री फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस को तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई हुई थी में हुई थी वुड्स में आ, में न्यू जिसमें प्रोवाइड किया गया था एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जिसका पर्पज जो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ था कि क्या लेके आना है एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी तो एक एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी थी रिकवर करने के लिए जो इंपैक्ट था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का उसको तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे ठीक है जो फोर्टी फोर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या चाहते थे कि जो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ठीक है उसको रीविटिलाइज करना चाहते थे मतलब उसको पुनर्जीवित करना चाहते थे किसके द्वारा कि भाई जो एक्सचेंज रेट है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो अक्रॉस द ग्लोब ठीक है पूरे विश्व में भाई एक एक जैसा होना चाहिए तो इसमें जो इसमें कंट्रीज़ थी मित्र देशों ने ब्रिटेन वुड समझौते को विधिवत स्वीकार कर लिया ठीक है बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इसको जो ब्रिटेन वुड्स का जो एग्रीमेंट था उसको स्वीकार कर लिया आप कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं ठीक है आ, नाम जो है आप लोग लर्न कर लेना फिर आता है दिसंबर नाइनटीन फाइव इन दिसंबर फोर्टी फाइव जो ब्रिटेन था वो किसकी तरफ लेके गया दो चीज़ की तरफ तो अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रेटन इंस्टीट्यूशन है उससे कौन से दो जो इंस्टीट्यूशन से फॉर्म हुए थे तो पहला था हमारा आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट और दूसरा था हमारा आईएमएफ एम इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड ठीक है इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए 1945 है दोनों की तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकस्ट्रक्शन डेवलपमेंट था ये क्या करता था ये लैंडिंग था लैंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक था कि भाई जो लैंडिंग आम है जो क्या देता है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्या प्रोवाइड करना भाई जो मनी है ठीक है थीके? लोन प्रोवाइड करना दिस ऑर्गेनाइजेशन होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन द ग्लोबल फ्रंट और ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को और फाइनेंस करना नेशंस को वर्ल्ड बैंक जो था इस्टैब्लिश हुआ था टू दी हेल्प ऑफ नेशन रिकवर फ्रॉम वर्ल्ड वर्ल्ड वार सेकेंड तो वर्ल्ड बैंक को क्यों इस्टैब्लिश किया गया था कि हेल्प करने के लिए कि रिकवर करना किसको वर्ल्ड वार सेकेंड से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेगुलेट करता था ग्लोबल एक्सचेंज रेट को और आईएमएफ आल्सो फैसिलिटेट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इंटरनेशनली ठीक है कि क्या कॉरपोरेट फैसिलिटेट करना है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को uh, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इसके फीचर्स क्या आते हैं इस्टेब्लाइज करना इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट को जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ब्रेटन वुड्स का और इसका अटैम था कि हेल्प करना नेशन को उनको रिकवर करना इकोनॉमिकली जो किसके बाद जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया उसके बाद ब्रेटन वुड्स जो अडॉप्ट किया गया था फोर्टी फोर कंट्रीज़ द्वारा किया गया था और वो एग्री थे अपनी कंट्री को पैक करने करने के लिए किसके अगेंस्ट यू डॉलर के अगेंस्ट यू डॉलर वाज पैक अगेंस्ट द प्राइज ऑफ गोल्ड ठीक है जो कितना था थर्टी फाइव पराउंड ऑफ गोल्ड यू एस डॉलर कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी जैसा माना गया था उसको आरक्षित मुद्रा माना गया था अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा माना जाता था इट प्रोवाइड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ठीक है फ्लेक्सिबल नहीं था दिस रेट वॉज एडजस्टेबल ठीक है लेकिन फिक्स था लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते थे ब्रिटिन बुट सिस्टम में इट स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी पेमेंट इसने क्या करा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी पेमेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करा बाय फैसिलिटेटिंग करेंसी कन्वर्जन कि भाई आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्ट ब्रेटन वुड ब्रेटन वुड्स के बाद जो अलाइड कंट्रीज थी आ, उनका कोई कंट्रोल नहीं था इंटरनेशनल पेमेंट पे और सेटलमेंट सिस्टम पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम था वो कलेब्स क्यों हुआ क्या कारण थे एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू